दिल्ली शराब नीति मामले में मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थी। हालांकि तब ईडी ने कहा कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया, हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए। अदालत ने जमानत का विरोध कर रही ईडी से कहा कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। अदालत ने केजरीवाल से कहा कि हम आपको जमानत दे देते हैं तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे, हम नहीं चाहते कि आप सरकार में दखल अंदाजी करें, अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, शर्त है कि LG किसी भी काम को इस आधार पर न रोके कि फाइल पर साइन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जो नुकसान पहुंचाने वाला हो। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ, धन्यवाद।